महाकालेश्वर मंदिर में 6 दिवसीय आज शनिवार सुबह घट स्थापना के साथ शुरू हुआ उमा सांझी महोत्सव 7 अक्टूबर को सवारी के साथ इसका समापन होगा। षष्ठी के सृजनकर्ता शिव एवं उमा का पुरुष एवं प्रकृति के उत्सव का कार्यक्रम उमा सांझी महोत्सव के रूप में आज सुबह महाकालेश्वर मंदिर के सभा मंडप में घट स्थापना के साथ आरंभ हो गया। यह महोत्सव 7 अक्टूबर को उमा सांझी की सवारी के साथ पूर्ण होगा। षष्ठी के सृजनकर्ता शिव एवं उमा का पुरुष एवं प्रकृति के उत्सव का कार्यक्रम उमा सांझी महोत्सव के रूप में आज सुबह महाकाल मंदिर के सभा मंडप में घट स्थापना के साथ आरंभ हो गया। यह महोत्सव 7 अक्टूबर को उमा सांझी की सवारी के साथ पूर्ण होगा। महाकालेश्वर मंदिर में अन्नपूर्णा मंदिर के पास सभा मंडप में परंपरा अनुसार हर वर्ष उमा सांझी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार यह महोत्सव 2 से 7 अक्टूबर तक आयोजित होगा। महाकाल के सभा मंडप स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर के समीप मंदिर के पुरोहित व पुजारियों ने परंपरागत रूप से पूजन अर्चन के बाद घटा स्थापना की। हालांकि पिछले साल की तरह कोरोना के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम व प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जा रहा है। यह उत्सव केवल प्रतीकात्मक रूप से मनाया जा रहा है। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक रणेश कुमार धाकड़ ने बताया कि पारंपरिक पूजन के अंतर्गत आज सुबह 8:30 बजे उमा माता की घट स्थापना एवं परंपरागत पूजन अर्चन हुआ है। इसी के साथ महोत्सव का प्रारंभ भी हुआ। इसमें शाम को आरती के पश्चात चारों वेदों के ब्राह्मणों द्वारा वसंत पूजा एक पाठ किया जाएगा। प्रतिदिन सभा मंडप में मंदिर के पुजारी पुरोहित द्वारा अन्नपूर्णा मंदिर के पास रखे प्राचीन पत्थर पर रंगोली से संजा बनाई जाएगी। 16 अक्टूबर को अमावस्या के दिन रात्रि जागरण होगा। 7 अक्टूबर को शाम 4 बजे वर्ष में एक बार निकलने वाली उमा माता की सवारी संजा विसर्जन हेतु नगर भ्रमण पर निकाली जाएगी। महोत्सव को लेकर महाकाल मंदिर में पहले से तैयारियां पूरी कर ली गई थी। आयोजन स्थल तथा सभा मंडप की विशेष साज सज्जा भी की